दौड़ते समय हमारे शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी खत्म हो जाती है, जिस कारण बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस होती है। इसी प्रकार हमें ज्यादा लंबी दूरी तक दौड़ने के लिए पर्याप्त एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ा जा सके। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि दौड़ने से पहले क्या खाएं और दौड़ने के बाद क्या खाएं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और हम लंबी दूरी तक बिना थकावट के दौड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि दौड़ शुरू करने से पहले क्या खाएं। फ्रेंड्स, प्रोटीन वो फूड है जो हमें लंबे समय तक ऊर्जा देते रहते हैं, साथ ही थोड़ी मात्रा में फैट और कार्ब्स को भी अपनी डाइट में शामिल करके पर्याप्त ऊर्जा हासिल की जा सकती है। दौड़ने से 30 मिनट पहले एक गिलास दूध और चॉकलेट लेवे। दूध प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो चॉकलेट कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। इन दोनों फूड्स को साथ में लेकर अच्छी खासी एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। दूध चॉकलेट को ब्रेकफास्ट के रूप में लेवे। इसके अलावा दूध के साथ छिलका युक्त बादाम भी आपको काफी ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। बादाम को छिलके के साथ ही खाएं। बादाम का छिलका कई पोषक तत्वों से युक्त होता है। अब बात करते हैं आफ्टर रनिंग डाइट की। दौड़ के बाद क्या खाएं? दौड़ने के बाद 30 मिनट तक आराम करें और इस दौरान भरपूर पानी पिए। पर्याप्त आराम के बाद दही और आलू साथ में मिलाकर खाएं। दही हाई प्रोटीन है जो टूटे हुए मसल्स की रिकवरी का काम करता है। वही आलू कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है जो तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। दौड़ने के दौरान खत्म हुई ऊर्जा आलू के जरिए हासिल की जा सकती है। इसके अलावा बनाना शेक भी प्रोटीन और कार्ब से भरपूर फूड होता है, यह भी तुरंत ऊर्जा देता है। इसके अलावा तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए दूध बिस्किट भी बेहतर विकल्प है। दूध बिस्किट जरूर आजमाएं। तो फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी एक डाइट प्लान को फॉलो करके आप दौड़ने से पहले और बाद में आवश्यक कैलोरी हासिल कर सकते हैं। नाउ ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।